ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ सैलरी के बारे में, अपनी सैलरी के बारे में नहीं, मैं आपको ये बताऊंगा कि एक सैलरी नेगोशिएशन कैसे करनी है आपको, जो रिक्रूटर्स आपके ऊपर बाउंसर फेंकते हैं उनको डक कैसे करना है। तो जो नया बंदा होता है उसके लिए काफ़ी टफ होता है, जो एक्सपीरियंस है उसको पता होता है कि रिक्रूटर्स के टैक्टिक्स क्या क्या है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या क्या उसके ऊपर आने वाले हैं और उसके लिए वो प्रिपेयर्ड होता है। लेकिन जो एक नया बंदा होता है, जो फ्रेशर होता है, उसको नहीं पता होता उसकी वर्थ क्या है, रिक्रूटर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या ट्रिकी सिचुएशन में आपको डाल सकता है, एंड समटाइम्स यू कैन गेट लो बॉल्ड एज वेल, इसलिए आपकी सैलरी भी कम हो सकती है स्टार्टिंग, जो कि काफी नेगेटिव चीज है। अगर आपकी स्टार्टिंग सैलरी कम होगी तो उसके बाद आगे अगर आपको ट्रिकी रिक्रूटर्स मिलते हैं तो आपकी आने वाली सैलरीज भी कम हो सकती है, एंड यू विल ऑलवेज एंड अप बीइंग अंडरपेड। तो इस वीडियो में मैं यही प्रॉब्लम टैकल करने वाला हूं कि फ्रेशर्स को नहीं पता होता कि नेगोशिएट कैसे करना है। इस वीडियो के दौरान मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या बाउंसर्स आपके ऊपर फेंके जा सकते हैं एंड आपको उसे कैसे डक करना है, किन किन ट्रिकी सिचुएशन में आप कैसे बाहर निकल सकते हो, एंड कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस जो कि एचआरएस पूछते हैं आपको उनका जवाब कैसे देना है टू गेट आउट ऑफ इट। सो विदाउट further ado, like this video, subscribe to the channel, and let's get started. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट से पूछा जाता है, दैट इज व्हाट इज योर करंट सैलरी। अब ये फ्रेशर से सेंस नहीं बनता बिकॉज उनकी सैलरी नहीं होती, बट जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं उनसे सबसे पहले सैलरी पूछी जाती है। नाउ लेट मी टेल यू, यू शुड डॉज दिस क्वेश्चन। आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि आप ये क्वेश्चन आंसर करो, एंड ये सिर्फ इंडिया में ही पूछा जाता है, बाहर के देशों में आपकी करंट सैलरी नहीं पूछी जाती। इंडिया में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि रिक्रूटर्स क्या करते हैं, आपकी करंट सैलरी पे 30% बढ़ा के आपको ऑफर करते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट द नॉर्म, यानी कि आपको 100% 120% भी हाइक मिल सकता है, एंड मैंने ये होता देखा है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी करंट सैलरी ना बताओ। द वे टू डक दिस क्वेश्चन इज कि आप उनसे कह सकते हो, आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल शेयरिंग माय करंट सैलरी, बट व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट इज योर बजट फॉर दिस रोल एंड वी कैन सी इफ इट फिट्स द बिल। सो आप उनसे ये कह सकते हो कि अपना बजट बता दो इस रोल के लिए, आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल शेयरिंग माय करंट सैलरी। आप बहाना मार सकते हो कि कंपनी ने एनडीए साइन करवा रखा है ये सब, बट इतना भी कह दोगे तो चल जाएगा। इस क्वेश्चन से दो चीजें हुई, सबसे पहले तो आपने एक क्वेश्चन डक कर दिया जो कि रिक्रूटर आपसे पूछ रहा था आपकी सैलरी के बारे में, दूसरा आपने ये क्वेश्चन उनके ऊपर ही उल्टा डाल दिया, उनके ऊपर डाल दी कि अपना एक रोल, अपना एक रेंज बता दो इस रोल के लिए आपने क्या सोच रखा है। तो हर रिक्रूटर को एक बजट दिया जाता है जो इसमें उनको हायर करना होता है, सो आप उनसे ये रेंज पूछ सकते हो। नाउ सेकंड मेरा पॉइंट ये होगा कि आपको कभी भी एक नंबर नहीं देना चाहिए, एक फिक्स नंबर नहीं देना चाहिए, एंड ये पूरी वीडियो के लिए यानी कि पूरे प्रोसेस के लिए वैलिड रहेगा, नेवर शेयर अ नंबर विद देम। अब अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा, चाहे फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस्ड हो, वो आपसे ये रिक्रूटर पूछेगा कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। नाउ इसमें भी सेम है, आपको नंबर नहीं देना चाहिए। व्हाट यू कैन से इज कि मैंने अभी इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं, आई वॉज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज, एंड वाई डोंट यू टेल मी कि आपकी इस रोल के लिए आपकी कंपनी में क्या जनरली पे ब्रैकेट रहता है। तो आपने ये दोबारा क्वेश्चन उनके ऊपर डाल दिया। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि मोर देन द कॉम्पेंसेशन आई वॉन्ट टू रियली नो कि कंपनी क्या क्या पर्क्स ऑफर करती है, क्या क्या बेनिफिट्स ऑफर करती है, कंपनी की ईसॉप पॉलिसी क्या है, एंड कंपनी का कल्चर क्या है, आई वॉन्ट टू सी इफ आई वुड फिट इन द कंपनीज कल्चर। सो इन चीज़ों को आप कह सकते हो टू अवॉइड दिस क्वेश्चन, क्योंकि होगा क्या, अगर आपने एक नंबर दे दिया तो फिर आपको वही मिलेगा। अगर आपने एक नंबर दे दिया मान लो 10 लाख, तो अगर कंपनी का बजट 30, 40, 50 लाख भी होगा तो भी आपको 10 लाख ही देगी, बिकॉज उनके लिए तो बढ़िया ही है, कैंडिडेट उन्हें 1/3 पे मिल गया, एंड कैंडिडेट ने जो खुद कोट करा था उन्होंने वो दे दिया। तो अब आप ये भी आके नहीं कह सकते कि मेरे को 10 लाख कम लग रहा है, वो रिक्रूटर ये कहे कि आपने मांगा था ये नंबर, हमने आपको दे दिया ना, व्हाट्स द प्रॉब्लम। सो इसलिए आपको एक स्पेसिफिक नंबर नहीं देना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू डक दिस क्वेश्चन किसी भी दो बहानों, मैंने आपको दो बहाने बनाए हैं, आप नेट पे और सर्च कर सकते हो कि इस क्वेश्चन को कैसे डक कर सकते हैं, आपको बहुत सारे एक्सक्यूजेस मिल जाएंगे, बट दीज टू हैव रियली वर्क फॉर मी। मैं पहले भी ये करता रहा हूँ, मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी थी जब मैं अपने इंटरव्यूज दे रहा था, एंड दीज टू बहानाज एक्सक्यूजेज हैव सीम टू वर्क फॉर मी। एंड हाँ, अगर वो आपको एक रेंज बताते हैं, अगर आपको वो कहते हैं कि हमारी पे ब्रैकेट इतनी रहती है, मान लो 10 से 15 लाख रहती है, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए अरे ये तो बहुत सही है, हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो, तो आपको तो ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ ये बहुत अच्छी है या फिर ये बहुत कम है। यू कैन से कि ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, एंड लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर, एंड लेट्स टॉक अबाउट कॉम्पेंसेशन लेटर इन द प्रोसेस, क्योंकि अभी भी आपका इंटरव्यू नहीं हुआ है, वो हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेशन जानना चाहते हैं। सो अब आपका सारा इंटरव्यू वगैरह हो गया, अब वो आपको रेडी ऑफर करने के लिए, अब वो आपसे दोबारा पूछे कि भाई साहब अब तो बता दो अब आपको कितना चाहिए। सो आई वुड से कि अब भी आपको नहीं बताना है कि कितना चाहिए, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग आप बता नहीं सकते हो, आपको उनका कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर नहीं पता। हो सकता है कोई कंपनी बहुत कम बेस सैलरी देती हो, लेकिन उनके ईज ऑफ
बहुत ज़्यादा हो या फिर उनका बोनस बहुत ज़्यादा हो, तो आपको नहीं पता कि उनका कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप बोल दोगे 10 लाख चाहिए मेरे को, तो उसमें से वो नहीं बता पाएंगे कि ईसॉप कितने हैं, उसके बोनस कितना है, रिलोकेशन बोनस वगैरह आपको नहीं पता कि कितना मिलता है कितना नहीं मिलता। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग आप नहीं बता सकते कि उनका कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर क्या है, एंड दैट्स वाई यू कैन नॉट टेल कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है। तो अब अगर वो आपको नंबर दे देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना काउंटर ऑफर कर सकते हो। एंड माई सजेशन इज कि कभी भी पहला ऑफर एक्सेप्ट मत करो, दिस इज द रूल। आपको कभी भी पहला ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज द फर्स्ट ऑफर इज ऑलवेज काइंड ऑफ अ लो बॉल ऑफर, या फिर उसमें हमेशा थोड़ा बहुत विगल रूम होता है, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर नेगोशिएशन। ये गलती मैं कई बार कर चुका हूँ अपने पहले सैलरी नेगोशिएशन में, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि कभी पहला ऑफर आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, एंड यू शुड ऑलवेज बी रेडी विद अ काउंटर ऑफर। सो काउंटर ऑफर प्रिपेयर करने के लिए आपको ग्लासडोर पर रिसर्च करनी चाहिए, इंडीड पर रिसर्च करनी चाहिए, या फिर अगर आपको कोई जानकार उस कंपनी में काम कर रहा है तो आप उनसे पूछ सकते हो कि इस रोल के लिए कितना ऑफर कर सकते हैं, आप उससे नेगोशिएशन आगे लेके जा सकते हो। एक और चीज मैं कहूंगा कि आप रिक्रूटर से पूछो ईसॉप पॉलिसी क्या है कंपनी की। तो अगर कंपनी ईसॉप्स नहीं देती है तो आप रिक्रूटर से कह सकते हो, आपके पास एक लेवरेज है, आप रिक्रूटर से कह सकते हो कि आई वॉन्ट टू फोकस ऑन वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म, एंड सिंस योर कंपनी डजेंट ऑफर ईसॉप्स, आई वुड सजेस्ट टेकिंग माई ऑफर अप बाय दिस मच, एंड दिस इज वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग। सो आपने रिक्रूटर से कह दिया कि क्योंकि ईसॉप्स नहीं मिल रहे मेरे को, ईसॉप्स जनरली बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं सैलरी के मुकाबले, एंड सिंस माई वेल्थ इज नॉट गेटिंग रेटेड इन द लॉन्ग टर्म, आई वॉन्ट अ हायर बेस सैलरी। दिस इज अ वेरी जेन्युइन डिमांड, एक बहुत ही जेन्युइन रिक्वेस्ट है। एंड अगर ईसॉप्स वो ऑफर करती है कंपनी एंड रिक्रूटर आपको मना कर देता है कि वो आपकी बेस सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो गो फॉर मोर इक्विटी या फिर गो फॉर मोर ईसॉप्स, क्योंकि आपकी सैलरी मैक्सिमम क्या 30% बढ़ेगी एक साल में ज्यादा से ज्यादा अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, लेकिन जो ईसॉप्स की वैल्यू है वो आपकी डबल ट्रिपल 4 गुना भी हो सकती है, क्वाड्रुपल भी हो सकती है, मेरे को पता था सो क्वाड्रुपल भी हो सकती है, एंड दैट इज मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म। सो अगर आपको एक एग्जांपल दो, अगर आपकी 1 लाख आप सैलरी नेगोशिएट करके ज़्यादा बढ़ा लेते हो तो आपका अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में हो, आपको मिलेंगे 70,000 पर ईयर एक्स्ट्रा। 70,000 पर ईयर एक्स्ट्रा का मतलब है अराउंड 6,000 पर मंथ एक्स्ट्रा। तो क्या आप वो 6,000 पर मंथ एक्स्ट्रा चाहते हो, या फिर अगर आप उनसे वही 1 लाख पर ईयर के ईसॉप्स एक्स्ट्रा मांग लो, तो अगर वो ग्रो करते हैं तो वो 30% से ग्रो नहीं करेंगे, डबल क्वाड्रुपल 5 गुना भी हो सकता है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो ऑलवेज गो फॉर इक्विटी या फिर ईसॉप्स, दैट्स व्हाट आई डू, क्योंकि 5-6 हज़ार से ज़्यादा आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन हो रही है, जैसे हम कई बार सुनते हैं फ्रेशवर्क्स का आईपीओ हुआ था, उनके एम्प्लॉयज़ करोड़पति बन गए, पेटीएम का अभी हुआ था तो उनके 350 एम्प्लॉयज़ करोड़पति बन गए थे। सो दिस इज़ अ वेल्थ क्रिएशन टूल इन द लॉन्ग टर्म, इससे आपकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है, एंड अगर कंपनी बाद में आईपीओ के लिए जाती है तो इट कैन गेट रियल क्रेजी। एंड फाइनली आप थोड़ी बहुत चीज़ें पूछ सकते हो कि रिलोकेशन बेनिफिट क्या है, अगर आप रिलोकेट कर रहे हो रिलोकेशन में आपका रिलोकेशन बोनस क्या है, कंपनी क्या अकोमोडेशन देती है, आपका ज्वाइनिंग बोनस क्या है। मोस्टली ज्वाइनिंग बोनस एक बॉन्ड के साथ आता है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको बॉन्ड लेना है या नहीं, सो आप ज्वाइनिंग बोनस की डिमांड कर सकते हो, एंड यही थोड़ी बहुत चीज़ें जिसके साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ज़रूर नेगोशिएट करो, क्योंकि अगर आप नेगोशिएट नहीं करोगे बाद में अगर आपको पता लगता है कि किसी को ज़्यादा सैलरी मिलती है तो वही बात आ जाएगी कि यू विल बी नॉट इन अ हेल्दी मेंटल स्पेस। सो आपको नेगोशिएट ज़रूर करना चाहिए, एंड अगर आपके पास एक और ऑफर होता है तो आपके वो भी एक लेवरेज हो जाती है, आप थोड़ा सा बिडिंग वॉर करा सकते हो, ऑल्दो इट्स नॉट आइडियल बट आप एक बिडिंग वॉर करा सकते हो कंपनीज के बीच में। सो दिस इज हाउ यू कैन लेवरेज देम इनटू गिविंग यू अ बेटर ऑफर। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, इसमें जितना मेरा एक्सपीरियंस था नेगोशिएशन का, जितने मैंने अभी ऑफर्स नेगोशिएट करे हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। अगर आपके कोई सजेशन हो, आपका कोई पॉइंट हो जो आपका यहाँ पे रह गया हो, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, आई विल आंसर यू देयर। बाकी आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड अपने कोई वीडियो सजेशन हो तो भी बता देना, एंड फाइनली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।